मैं हूं आपके साथ बागीशा और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज। प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान के 3 दिवसीय रजत ज्योति समारोह शुक्रवार से शुरू हुआ। आयोजन में पहले दिन कई विशिष्ट हस्तियों ने हिस्सा लिया और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम का आगाज गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। इस आयोजन में देश के साथ ही विदेश से भी कई प्रतिनिधि बच्चों को संबोधित करने के लिए उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम में प्रेस्टीज के संस्थापक नेमी चंद जैन के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन किया गया। साथ ही उनके पुत्र और ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट डेविश जैन ने अपने पिता के बारे में उपस्थित विद्यार्थियों को जानकारी दी। कथा है और उनके साथ भी आपने काफी समय इसके लिए उनके साथ रहकर जानकारी ली। पूरा प्रसंग समझने के लिए तो हमें ये पुस्तक पढ़ना आवश्यक होगी, पर मैं कोशिश करता हूँ गागर में सागर भरने की। जैसा नाथ जैन ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए संस्थान को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनका आभार ज्ञापित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में प्रेस्टीज संस्थान इसी तरह और ऊंचाइयों को छुएगा। माइक उभर रहा है और माइक इतना कम से मैं इसमें पीछे से योगदान किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में देश के जाने माने ज्योतिषी
पवन सहना, लेखक डॉक्टर अनिल बॉकिल, जुरोस्टर यन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मेहर मास्टर मुस सहित कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस रजत ज्योति समारोह के शुभारंभ में उपस्थित रहे। आयोजन में टैलेंटेड इंडिया न्यूज भी डिजिटल मीडिया पार्टनर के रूप में सहभागी है। आने वाले दो दिनों तक भी संस्थान में कई विशिष्ट हस्तियां विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों पर संबोधित करेंगी। तो ऐसी अपडेट्स हम आपको हर रोज देते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।